हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हैंडबैग बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये फॉर्म लिया है और मैंने प्लेन कपड़ा लिया है। कपड़ा मेरा साटन का है, ये आप कोई भी कपड़ा ले सकती हैं। मैंने ये ब्लू कलर लिया है और उसके बाद सबसे पहले मैं आपको, अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ कपड़े की। सबसे पहले हमें इसके लिए, जैसे एक तो हमको फॉर्म चाहिए और ये हमारा बाहर वाला कपड़ा होगा जो हम अंदर लगाएंगे, उसके लिए भी हम इसी में से कपड़ा लेंगे। मतलब सेम कपड़ा लेंगे अंदर और बाहर के लिए। अगर आपके पास सेम कपड़ा नहीं है तो आप अंदर की तरफ कोई भी कपड़ा लगा सकती हैं। और उसके बाद ये कपड़े की लंबाई और चौड़ाई हम आपको नाप के बताएंगे। ये जो हमने कपड़े की ये लंबाई ली है, वो ली है मैंने 17 इंच। और उसके बाद जो मैंने इसकी ये चौड़ाई ली है, वो ली है मैंने 15 इंच। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, अभी देखिए, सबसे पहले हम इस कपड़े पे ही कटिंग करेंगे। दो पीस है मेरे, एक पीछे का और आगे का, दोनों पीस मेरे इसी में से निकल जाएंगे। फिर हम इसी के हिसाब से फॉर्म की और जो हम अंदर कपड़ा लगाएंगे उसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 2 इंच पे। ठीक है, ऐसे 2 इंच पे निशान लगा के और इसे हम 4 इंच तक सीधा कर देंगे और इसमें हल्का सा कर्व देंगे, जैसे हम आरमोल में देते हैं ऐसे। और इसे सीधा करके और यहाँ से हम ऐसे इसमें हल्का सा कर्व दे देंगे ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद 2 इंच हम यहाँ से लेंगे, जहाँ पे हमारी डोरी आएंगी, बेल्ट बोलते हैं जिसको, वो आएगी, तो उसके लिए हम यहाँ से 2 इंच लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से लेना है हमें 4 इंच। और उसके बाद 4 इंच लेने के बाद यहाँ से लेंगे हम 4½, 4.5 इंच, आधा इंच हमारे सिलाई में जाएगा, 4 इंच हमारा तैयार होगा। तो यहाँ से हमारा ये इसका वो वाला भाग होगा जिसमें कि हम अपना कोई भी सामान रखेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसकी भी हम ऐसे ही गुलाई कर देंगे। दोनों पीस मैंने साथ लिए हैं, ये इसकी भी हम ऐसे ही गुलाई कर देंगे इसी प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ से लूंगी मैं 3 इंच इस कॉर्नर से। ठीक है, इस कॉर्नर से नहीं लेना है, इससे लेंगे तो हमारा ही शेप बिगड़ जाएगी। तो इस खुले भाग से लेना है, बंद भाग से नहीं लेना। जो हमारा ही खुला पार्ट है वहां से हमको 3 इंच लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ से हम हल्का सा ऐसे कर्व देंगे। ये देखिए, इस 3 इंच के निशान के हिसाब से हम इसमें ऐसे कर्व दे देंगे इस प्रकार से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे सेम ऐसे ही जैसे हमने इसकी ड्राफ्टिंग की है। देखिए, ऐसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप इससे और या बड़ा या छोटा बनाना चाहती हैं तो आप ज्यादा कपड़ा ले सकती हैं, और छोटा बनाना चाहती हैं तो आप कम कपड़ा ले सकती हैं। और जैसे मैंने अपने ये पार्ट कट किए हैं, ऐसे ही मैं अपने दूसरे वाले पार्ट कट करूंगी फॉर्म पे। और ये यहां से हमें कटिंग नहीं करनी, सिर्फ जहां से हमने ये गुलाई दी है हमें वहीं से कटिंग करनी है इसकी, यहां से। ऐसे अभी देखिए, ये हमारी बैक की शेप कुछ इस प्रकार से होगी। अब इस ऐसे ही हम अपने ये फॉर्म पे पीस कट करेंगे। अभी देखिए, फॉर्म को भी मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। जैसे कि मैंने अपना ये कपड़ा रखा था, इसमें से हमें अपने 2 पीस निकालने हैं। जैसे हम कुर्ती के लिए कपड़ा रखते हैं, ऐसे हमने इस फॉर्म को रख लिया है 4 पीस में। और उसके बाद हम इसे ऐसे, इसकी भी सेम ऐसे ही कटिंग करेंगे जैसे कि हमने अपने इस बैग की थी, सेम इसी प्रकार से। अगर सिलाई में हमारा छोटा बड़ा कटिंग में कहीं से हो जाता है तो उसे हम बाद में सिलते टाइम, सिलने के बाद हमारा जो कहीं से ज़्यादा कम होगा उसे हम बाद में सेट कर लेंगे ऐसे। बिल्कुल बराबर पीस लेके ये और ऐसे ही जो मैं इसके फॉर्म के अंदर लगाऊंगी कपड़ा, उसकी कटिंग भी मैं ऐसे ही कर लूंगी। अब ये देखिए, ये तो हो गया मेरा बाहर वाला पीस। ठीक है, और उसके बाद जो मैं अंदर लगाऊंगी, इसके अंदर
उसके लिए भी सेम मैं यही कपड़ा लूंगी। आप चाहे इसे बाहर का मान लें चाहे भीतर का मान लें, आप सेम मैं यही कपड़ा लूंगी। अगर आपके पास ऐसा कपड़ा नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा अंदर के लिए यूज कर सकती हैं। अब ये देखिए, ये मैंने अपने दोनों पीस कट कर लिए हैं, ठीक है। अब जो मैं ऊपर का इसमें डिजाइन दूंगी बैग के लिए, जिसमें हम जिप लगाएंगे, वो हम अलग से फॉर्म लेंगे। तो उसके लिए हमने ये चौड़ाई तो इतनी ही ली है जितनी कि हमने इसकी ली थी, लेकिन लंबाई से हाफ ली है, ठीक है। लंबाई जैसे हमने उसकी 14 इंच ली थी, तो इसकी हमने 7 इंच ली है, इससे हाफ ली है इसकी लंबाई। और पीस हमें ऐसे ही कट करने हैं जैसे कि हमने उसके किए थे। ये देखिए, फॉर्म को ऐसे बराबर कर लेंगे और ऐसे ही हम अपना कपड़ा कट करेंगे जैसे कि हमने ये फॉर्म कट कर रहे हैं, ऐसे इसका कपड़ा कट होगा। उसके लिए हम यहाँ से जैसे हमने उसमें छोड़ा था 2 इंच यहाँ से छोड़ के ऐसे, और ऐसे ही हम 4 इंच पे ऐसे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। और उसके बाद जैसे मैंने 2 इंच इधर छोड़ा था, अभी देखिए जो हमारा फॉर्म था उस पे चौक नहीं चल रहा था अच्छे से। तो मैं अब आपको कपड़े बताऊंगी। कपड़ा भी मैंने इससे हाफ लिया है, उस बड़े वाले कपड़े से हाफ लिया है, 7 इंच चाहिए भी। और उसके बाद ये देखिए, सेम वही तरीका है जो मैं भी आपको इस पे बता रही थी। तो 2 इंच हम यहाँ से छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ से 2 इंच छोड़ दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद 4 इंच हम यहाँ से लेंगे, ऐसे यहाँ से लिया हमने 4 इंच, और इसकी ऐसे सीधी की है। और उसके बाद यहाँ से हम 2 इंच छोड़ देंगे, जो कि हमने बड़े वाले में भी छोड़ा था, जो हमने आगे के पैटर्न कट किए थे। उसके बाद यहाँ की चौड़ाई होगी हमारी 4 इंच, ठीक है। अब यहाँ से भी हम 4½ लेंगे जैसा कि हमने उसमें लिया था, ऐसे। और इसको भी हम ऐसे सीधा करके और इसकी भी हम ऐसे गोलाई कर लेंगे ऐसे, और इसकी भी यहाँ से ऐसे ही गोलाई कर देंगे। अभी देखिए, इसकी भी मैं ऐसे ही कटिंग कर लूंगी। इसके नीचे से गोलाई वगैरह कुछ नहीं करनी, सिर्फ हमें ऊपर से ही इसमें हमारी जिप आएगी और ये इसी के साथ ज्वाइंट होंगी, इसलिए हमें सेम ऐसे ही कट करना होता है। ये वाला पीस, ये मेरे 2 पीस हैं, आगे वाला भी और पीछे वाला भी, और ये हमें उसी के बराबर कट करने होते हैं जैसे कि हमारा वो वाला पीस था ऐसे। अब इसमें हमारी यहाँ नीचे की साइड में जिप आएगी और ये हमारा ऊपर वाला होगा, यहाँ पे हमारी बेल्ट लगेगी। अब ऐसे ही मैं फॉर्म कट कर लूंगी सेम इसी प्रकार से जैसे कि मैंने ये वाला पीस कट किया है। अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमने पीस कट किए थे, ये ऊपर वाला हिस्सा है जो कि हमने 7 इंच का लिया था, इसको हमें ऐसे सिलना है, ये फॉर्म को बीच में रख के और ये दोनों कपड़े एक साथ रख के, और हमें ऐसे सिलाई लगानी है इसके ऊपर जैसे कि हम अस्तर के ब्लाउज में लगाते हैं, यहाँ से ऐसे सिर्फ सीधी सिलाई लगानी है इसके ऊपर। यहाँ से और ये से जो हमने ये 2 इंच के शोल्डर लिए थे इसके, ऐसे ही हम सीधी सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। अब ऐसे ही मैं अपने इसको सिलूंगी पूरे को, और सारे पीस मुझे ऐसे ही तैयार करने हैं। अगर थोड़ा बहुत कपड़ा हमारा सिलाई में इधर उधर हो जाता है तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे बाद में, देखिए ऐसे। और यहाँ से हम ऐसे लाएंगे इसको बराबर करके पीस को, और फॉर्म को बीच में रखना है। अगर आप सेम कपड़ा नहीं लगाना चाहती तो आप कोई और भी कपड़ा ले सकती हैं। अगर अगर आपके पास सेम कपड़ा नहीं है तो आप भीतर के लिए कोई भी कपड़ा ले सकती हैं, जैसे मैंने तो ये सेम कपड़े लिए हैं। अब ये देखिए, ये मैंने अपने दोनों पीस ऊपर वाले तैयार कर लिए हैं ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कटिंग करके, इससे हाफ है ये, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये बड़ा पीस तैयार करना है ऐसे ही, ये नीचे भी हमें ये ब्लू लेना है, ऊपर भी, और बीच में हमें फॉर्म रखना है। ये हमारा बड़ा वाला पीस है जो कि हमने 14 इंच का कट किया था और वो हमारा 7 इंच का था, उससे हाफ।
ऐसे इसको हम बराबर रख के और इसके ऊपर ऐसे सिलाई कर लेंगे जैसे कि हमने उसके ऊपर की थी। इस तरह से मैं इसे पूरे को सिल लूंगी, जैसे कि इस तरफ से सिलाई से ही मैं राउंडली पूरे में इसकी गुलाई की तरफ भी और ऐसे पूरे में सिलाई लगा लूंगी इसी प्रकार से। ये देखिए मैंने ये पूरे अपने पार्ट तैयार कर लिए हैं। ये बड़ा वाला है जो 14 इंच का काटा था और ये 7 इंच का काटा था, ये छोटा वाला है। और सेम हमने ऐसे ही काटे थे इसके ये आर्म होल भी और ये गला बोलते हैं इसको, उसी शेप में काटा था हमने। और उसके बाद अब हमको इनको ऐसे सिलना है, दोनों हमने साथ रख लिए। ये इधर से भी हमारा कपड़ा निकला हुआ है और इधर से भी, पूरे में हमने पहले सिंपल सिलाई लगाई थी। अब उसके बाद हमको ये ऐसे बराबर पकड़ के और इनके ऊपर ऐसे सिलाई लगानी है राउंडली पूरे में। ये देखिए इसको हमें यहाँ तक सिलना है करीबन 1.5 इंच तक, और 1.5 इंच कपड़ा हमें नीचे छोड़ देना है। ऐसे इसको एक साथ रखते हुए और जो इसकी ये वाली जगह है, ये वाली, इस पे हमें सिलाई नहीं लगानी क्योंकि यहाँ पे हमारी बेल्ट आएगी। उसके बाद यहां से भी मैं 1 इंच के बराबर सिल के इसे तैयार कर लूंगी। यहां से हमें ये इतना सिलना है और उसके बाद सिलाई को हम ऐसे छोड़ देंगे, ये जगह हमें खाली छोड़नी है, ठीक है। सिर्फ सिलाई यहाँ से लंबाई की तरफ से 1.5 इंच में लगानी है इतने कपड़े पे। और उसके बाद इधर से भी मैं 1.5 इंच के बराबर सिलाई लगा के और दूसरे वाले पीस को भी ऐसे ही सिलूंगी। अब ये देखिए हमने ये सिल लिया, हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे जैसे कि हम गले वगैरह में लगाते हैं, जिससे कि आसानी से सीधा हो जाए। इस तरफ भी छोटे छोटे कट लगाने सिलाई से दूर, जिससे कि हमारी सिलाई ना कटने पाए ऐसे। अब उसके बाद हम इसे ऐसे पलट देंगे बाहर की तरफ को। ये देखिए ये वाली चीज इसकी ऐसे निकाल देंगे आराम से। अभी देखिए ये हमने सीधा कर लिया है बिल्कुल, और यहाँ पे हमारी जिप आएगी। ये जगह हमने जो खुला छोड़ी है इस पे हमारी जिप आएगी, और उसके बाद हम इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए फॉर्म। ऐसे ऐसे पूरे में सिलाई लगा लूंगी मैं इस तरफ को भी, और दूसरे वाले पीस को भी हमें ऐसे तैयार करना है। इससे हमारा ये फॉर्म एकदम से सेट हो जाएगा। और ये चीज हमको नहीं सिलनी है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे हमारी बेल्ट आएगी तो हम बेल्ट को ऐसे अंदर की तरफ डाल के ये चीज हमें खुली रखनी है, और ऐसे ही मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ही सिलाई लगाऊंगी। ये वाला पीस मुझे भी खुला रखना है क्योंकि हमारी जिप लगेगी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई लगा के इसे तैयार कर लूंगी। अभी देखिए मैंने ये इसके ऊपर दोनों पीस के ऊपर सिलाई लगा ली है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें जिप अटैच करनी है। पहले हम इसमें जिप लगाएंगे, जिप को हम ऐसे उल्टा रखेंगे, ठीक है। जितनी इसकी हमारी बैग की लंबाई है उस हिसाब से जितनी एक्स्ट्रा है, वैसे ये फुल है हमारी, ये बड़ी नहीं है। अगर आपकी छोटी हो तो एक्स्ट्रा जिप को पल्ली तरफ को निकाल दें और ये वाली ऐसे लगा लें। अब ये देखिए जिप से हमें अलग सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमारा जिप का हिस्सा है जहाँ से जिप खुलती है, और ये वाला हमारा सिलाई वाला हिस्सा है। तो यहाँ से ऐसे रख के जिप को और सीधी सिलाई लगानी है। जिप को हमें उल्टा रखना है ऐसे, उल्टे कपड़े की तरफ को भी
से, यहाँ से भी ऐसे लगानी है सिलाई। और उसके बाद हम इसे ऐसे बाहर की तरफ को पलट के और एक सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे ना। ये वाला हिस्सा हमने अलग से 7 इंच का इसलिए लगाया था क्योंकि हमें इस पे जिप लगानी होती है। अभी देखिए एक साइड हमने लगा ली है, अब दूसरी साइड को भी हम ऐसे उल्टा करेंगे और इसके ऊपर हम जिप को ऐसे रखेंगे उल्टी साइड से ही। इसको हल्का सा हम ऐसे कर लेंगे और इसी के बराबर रखे, और इस पे भी सीधी सिलाई लगानी है हमको। और सिलाई लगाने के बाद हम इसे ऐसे ही पलट देंगे जैसे कि हमने ये वाली पलटी थी। ऐसे आप ये देखिए, ये हमारी जिप इस प्रकार से आएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर भी मैं ऐसे ही सिलाई लगा लूंगी पूरे के ऊपर जैसे कि मैंने इसके ऊपर लगाई थी। इसको ऐसे खोल के और इसी प्रकार से मैं इसे लगा के तैयार कर लूंगी। अभी देखिए, अब हम इसमें आपको पॉकेट लगाना बताएंगे। जो हमारे फ्रंट पार्ट पे पॉकेट होती है उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले यहाँ से कपड़ा नापेंगे। 5 इंच हमारा इधर से है और 5 इंच कपड़ा हमने इधर से छोड़ा है, ठीक है। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहती हैं तो आप यहाँ तक ले सकती हैं। तो मैंने ये करीबन ये मैंने 6 इंच की पॉकेट बना रही हूँ मैं। और उसके बाद ऐसे ये देखिए, जहाँ तक हमारी पॉकेट आएगी वहाँ तक हमें ऐसे सीधी सिलाई लगानी होगी इसके ऊपर। ये हमें कपड़ा छोड़ना है इधर को, यहाँ तक हमारी सिलाई आएगी ये देखिए ऐसे। और हम इसके ऊपर और इस कपड़े को सीधे कपड़े की तरफ को रखना है हमें। और फिर ये सिलाई लगाने के बाद, कट लगाने के बाद पॉकेट को हम अंदर की साइड डाल देंगे। अब ये मेरा सीधा कपड़ा है, पॉकेट को मैंने ऐसे खुला ही रखा है। अभी ये देखिए एक पीस में रखा है। और उसके बाद अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से ऐसे ही जैसे जैसे हमने ये निशान लगाया है, और करीबन 1.5 इंच के बराबर कपड़ा हमने ऊपर की तरफ छोड़ा है यहाँ से ऐसे। और फिर इसे ऐसे ही ले आएंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है इसी के बराबर, और इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे बिल्कुल। और धागे को यहां से कट कर देंगे। अब ये देखिए मैंने ही सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ऐसे कट लगाएंगे छोटा सा, ठीक है। और इसको बीच से हम ऐसे कट कर देंगे, उसे ऐसे पकड़ के यहाँ से। और इसके जो हमारे कॉर्नर हैं जो सिलाई ना कटने पाए, ऐसे कॉर्नर के ऊपर हम कट लगा लेंगे देखिए ऐसे, ठीक है। और इस साइड से भी हम ऐसे कट करेंगे और ये कॉर्नर पे भी कट लगा लेंगे ऐसे। अभी जिप को हम अभी देखिए, कट लगाने के बाद हम इस पॉकेट को ऐसे अंदर की साइड डाल देंगे ऐसे। अब ये हमारी अंदर की साइड आ चुकी है ये देखिए ऐसे। ये साइड हमारी, अब आप चाहें तो इस पे प्रेस भी कर सकती हैं, वरना आप इस पे डायरेक्टली जिप भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए अब मैं इस पे जिप लगाऊंगी। जिप लगाने के लिए जिप को हमें ऐसे नीचे रखना होगा इसके। ये मेरा सीधा कपड़ा आ चुका है, पॉकेट को अंदर डाल दिया है। अब ये देखिए ऐसे जिप को हम ऐसे थोड़ा सा अंदर की तरफ
डाल के और इसको ऐसे यहाँ से इसको ऊपर ऐसे सिलाई लगानी है हमको। जिप को बिल्कुल बीच में रखना है। और यहाँ से ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये वाला कपड़ा हमारा अलग होना चाहिए, जो कि हमने पॉकेट के लिए इसमें छोड़ा है वो वाला कपड़ा अलग होना चाहिए। यहाँ से भी ऐसे लाके और हम यहाँ से ऐसे धीरे से निकालेंगे इसको और उसके बाद यहाँ से सीधी सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से धागे को कट कर देंगे। और ये एक्स्ट्रा जिप भी हम यहाँ से कट कर देंगे। अब ये देखिए, अब ये जिप लग चुकी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो ये वाला कपड़ा है इसको हमें ऐसे सिलना है अंदर की साइड में। और यहाँ से लेके ये वाला तो हमारा बंद है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ऐसे सिलाई लगानी है। अब सबसे पहले तो जो हमने ये 1.5 इंच के बराबर कपड़ा छोड़ा था, यहाँ से हम इसे ऐसे बंद कर लेंगे। देखिए कपड़े को उल्टा करके और इसे ऐसे बंद कर लेंगे हम। अभी देखिए हम ऐसे पहले इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद अभी देखिए जिप हमारी इस तरफ को आ चुकी है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे बंद कर देंगे, यहाँ से हमारी बंद की साइड है। अब इसे हम सिल के तैयार कर लेंगे ऐसे सीधी सिलाई लगा के इसके ऊपर। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, यहाँ से ऐसे सिलाई लगानी है सिर्फ सीधी, क्योंकि ऊपर की साइड से हमने इसे बंद कर दिया है। अभी देखिए जिप हमारी लग चुकी है ये वाली। आप इसमें अपने पैसे वगैरह कुछ भी रख सकती हैं। ये देखिए इतनी बड़ी इसकी पॉकेट आई है बनके। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पूरे में राउंडली गोल वेज लगाना है इसको सपोर्ट के लिए, जो कि साइड में लगाते हैं हम। हमें डायरेक्टली ऐसे नहीं सिलना है, इसके बराबर में हम सीधी पट्टी कट करेंगे इस कलर की और फॉर्म की, और उसके बाद हम ये वेज तैयार करेंगे अपना। अभी देखिए सबसे पहले हम अपनी ये वाली चीज़ नापेंगे। ये हमारी बैठ रही है 4 इंच 4 इंच की, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें छोड़ के, क्योंकि यहाँ से जो हमारी पट्टियाँ आएंगी वो ऐसे फोल्ड हो जाएंगी इसमें, और हम यहाँ से इसको नापना चालू करेंगे यहाँ से कि हमारा ये कितना बैठ रहा है। उसी हिसाब से हमें गुलाई के हिसाब से इसमें वो बेल्ट लगानी है जो कि हम साइड में लगाते हैं। देखिए इंच टेप को ऐसे घुमाते हुए तब चलना है। ऐसे ये बैठ रही है हमारी, ट्वेंटी 8 इंच। अभी देखिए हमारा ये 28 तो बैठ रहा है कुल मिला के, तो हम इसमें 1 इंच और प्लस कर देंगे क्योंकि हमारा 1/2 इंच सिलाई में इधर जाएगा और 1/2 इंच इधर, तो हम 29 लेंगे इसमें, ठीक है। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। अभी देखिए मैंने ये पट्टी कट कर ली है ऐसे ही जैसे मैंने आपको नाप के बताया था, और ये हमें इसी के बराबर एक पट्टी कट करनी होती है क्योंकि एक ही पट्टी हमारे ऐसे आ जाएगी। ये देखिए ऐसे आएगी ये ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद हमने लंबाई इतनी ली है जितनी की हमारी इसकी बैठ रही थी, उससे 1 इंच ज़्यादा। जैसे हमारी बैठ रही थी 28 बैठ रही थी शायद, तो हमने 29 ली है। और उसके बाद जो हमने इसकी चौड़ाई ली है वो ली है हमने 5 इंच, ठीक है। जो हमारी एक्स्ट्रा फॉर्म है इसको हम कट कर देंगे बाद में। अब उसके बाद हम इसे ऐसे लगाएंगे, एक साइड से लगाना कि गुलाई की साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और
एक या आधा इंच से ऊपर रखेंगे इतना, ठीक है, इतना ऊपर रख के और तब हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। इतना ऊपर रख के और सीधे कपड़े की तरफ को रख के लगाना है, क्योंकि हमारा ये उल्टे कपड़े की तरफ को आ जाएगा। यहाँ से इतना ऊपर रख के 1 इंच के बराबर, और ऐसे गुलाई में ही लगानी है सीधी पट्टी, ठीक है, ऐसे। यहाँ से भी ऐसे ही लगाएंगे इसे गुलाई करते हुए। ऐसे मैं इसे पूरी में गुलाई में लगा के तैयार कर लूंगी, और जैसे मैंने उधर छोड़ा है 1 इंच, ऐसे ही मैं इधर छोड़ के यहाँ से भी हम ऐसे ही गुलाई लाएंगे इसकी, जैसे कि इसकी गुलाई हुई पड़ी है। और जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसे हम कट कर देंगे इसमें से ही, और 1/2 इंच के बराबर हम इसमें रख लेंगे। अब ये देखिए, जो हमने 5 इंच की पट्टी चौड़ाई में कट की थी और यहाँ पे हमारी जिप है, तो इसका ये इस तरह से बेस आएगा, ठीक है। अब इसे अभी नहीं सिलेंगे हम, पहले हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे ऐसे ही इसकी गुलाई के हिसाब से। अब हमें कपड़े को उल्टा करना है और तब सिलाई लगानी है, उल्टा करके। और ऐसे ही ये पट्टी हमारी एक साइड आ गई है, वो तो हमने सीधे कपड़े की तरफ को सिल ली थी, लेकिन ये हमें कपड़े को उल्टे करके सिलनी है, क्योंकि इससे हमारा ये जिप बंद तो ये सेट नहीं आ रहा था। तो ये देखिए, इधर सीधी और ये उल्टी आ जाएगी, इधर से भी उल्टी और इधर से भी उल्टी। अब ऐसे ही हम इसे सिल के तैयार कर लेंगे। अभी देखिए, ये मेरा हैंड पर्स आपके सामने बनके तैयार है। इसमें मैंने ये चोटी जैसा, जैसे कि मैंने आपको एक डोरमेट बता रखा है, चोटी बना के हम तब ये बनाते हैं, मैंने चोटी बना के नेट से और इसमें अटैच कर लिया है, जो कि मेरे खुले भागते तो ठीक है। और उसके बाद ये हमने इसमें राउंडली ग्लू गन से लेस लगा दी है, और ये मैंने अपना नाम लिख दिया है इस पर लेस से कटिंग करके। और ये देखिए, इसमें हम अपना कितना भी सामान रख सकते हैं, ये मेरा अंदर से खूब बड़ा है। इस तरीके से हमने इसको बनाया है, इसमें 2 जिप हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से हमारा ही बन के आया है। और जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, जैसे हमने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई थी, ठीक है, तो ये सिलाई हमने इसलिए नहीं लगाई थी कि हमें इसमें डोरी बेल्ट लगानी होती है, तो बेल्ट को मैंने अंदर डाल के तब हाथ से टांगे लगाई इसमें, ठीक है। इस तरीके से मेरा ही बन के आया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।